पंचकूला पुलिस ने सेक्टर 20 मार्केट में अवैध हुक्का बार चलाने वाले संचालक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान शिवम पुत्र राजीव गोयल निवासी सेक्टर 20 पंचकूला के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक देर रात सेक्टर 20 मार्केट में एक शोरूम खुला हुआ मिला, जिस पर संदेह होने पर पहली मंजिल पर पुलिस ने जाकर देखा तो अंदर 10-12 लड़के पार्टी कर रहे थे। कैफे की तलाशी लेने पर मेज पर रखे 2 हुक्के बरामद किए गए और 10 पैकेट अलग से फ्लेवर बरामद किए गए। पुलिस ने अवैध हुक्का व शराब पिलाने पर मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया। हुक्का बार में रेड हुई है सर, क्या मामला है सर? मामला है जिला पंचकूला में प्रशासन द्वारा हुक्के पूर्णतः पाबंद किए गए, इसके बावजूद भी कुछ जो क्लब है चोरी छुपे हुक्का चलाते हैं। तो हमारे जिला प्रशासन अधिकारी द्वारा ये कहा गया कि आप इस 44 धारा लागू होने के बावजूद भी हुक्का परोसा जा रहा है तो आप इन पर कार्रवाई करें। तो हम पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्च कर रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले भी हमने सेक्टर 20 में क्लब में हुक्का जो यूज़ कर रहे थे उनको पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने 144 धारा की उल्लंघना की है, इसलिए हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो सर इसमें कोई गिरफ्तार भी हुआ सर? हाँ, वहाँ का मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।